ओके, डिस्क्रिप्टिव टेबल्स को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेबल पाइप की कॉल के बाद उसमें नए कौन से डिस्क्रिप्टर्स ऐड होते हैं। अब हमने देखा कि प्रोग्राम के अंदर जो बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्टिव टेबल जो होता है उसके अंदर तीन डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, 0, 1 एंड 2। जो 0 होता है वो मैप हुआ होता है कीबोर्ड के ऊपर, डिस्क्रिप्टर 1 स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर, एंड डिस्क्रिप्टर 2 स्टैंडर्ड एरर डिवाइस के ऊपर। जब हम पाइप की सिस्टम कॉल करते हैं तो एक पाइप क्रिएट हो जाता है जिसके दो एंड्स होते हैं, हर एंड का एक डिस्क्रिप्टर है। राइट एंड का डिस्क्रिप्टर नंबर 3 है, यानी कि वो 3 के ऊपर मैप हो जाता है, और रीड एंड नहीं राइट एंड का 4 के ऊपर और रीड एंड का 3 के ऊपर मैप हो जाता है, जैसे कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब हम 4 की कॉल करते हैं तो एक्चुअली डिस्क्रिप्टर्स की भी कॉपी क्रिएट हो जाती है, पाइप एक ही रहता है लेकिन कॉपी क्रिएट हो जाती है। दो डिस्क्रिप्टर्स पेरेंट के प्रोसेस के पास हैं, दो डिस्क्रिप्टर्स चाइल्ड प्रोसेस के पास हैं उसी पाइप के। लेकिन जो कन्वेंशनल पाइप है या जिस पाइप की हम बात कर रहे हैं वो यूनिडायरेक्शनल है, मींस के एक वक्त में या एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि जो फ्लो है डेटा का वो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड है या चाइल्ड टू पेरेंट है, तो वो फिर वही रहेगा, वो बाद में चेंज नहीं हो सकेगा। तो यूनिडायरेक्शनल है पाइप, एक ही फ्लो में डाटा जा सकता है, या तो आप पेरेंट से चाइल्ड को ट्रांसमिट करते हैं डाटा या चाइल्ड से पेरेंट को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन एक दफ़ा जो आपने डिसाइड कर दिया वो वही रहेगा थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अगर आपको टू वे कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर दो पाइप्स क्रिएट करें, एक एक एंड एक डायरेक्शन में, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में। अभी हमने जस्ट 4 की कॉल की, एक पेरेंट प्रोसेस का डिस्क्रिप्टर टेबल है उसकी कॉपी क्रिएट हो गई और चाइल्ड प्रोसेस का डिस्क्रिप्टर टेबल आ गया। अब देखें पाइप एक ही है लेकिन उसके दोनों एंड्स के डिस्क्रिप्टर्स चाइल्ड प्रोसेस के पास भी आ गए। पेरेंट प्रोसेस के पास तो थे क्योंकि उसने उसे क्रिएट किया है, जब उसके बाद 4 की कॉल हुई तो चाइल्ड प्रोसेस के पास भी दोनों डिस्क्रिप्टर्स की कॉपी आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मैपिंग देखें, 0 मैप हुआ हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस पे, दैट इज कीबोर्ड। 1 मैप हुआ हुआ है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो कि टर्मिनल है, 2 स्टैंडर्ड एरर डिवाइस वो भी टर्मिनल है, लेकिन दोनों में फ़र्क है 1 और 2 में, हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और 3 एंड 4, अब मजीद अगर फाइल्स क्रिएट की होती हैं 4 से पहले तो उनकी भी कॉपी क्रिएट होती, यानी कि पेरेंट के पास जितने डिस्क्रिप्टर्स होंगे, यानी कि 4 से पहले जो डिस्क्रिप्टर टेबल होगा 4 की कॉल उसका उसकी कॉपी क्रिएट कर देगी। अब ये डिस्क्रिप्टर टेबल का पॉइंटर होता है पीसीबी में, प्रोग्राम या प्रोसेस का पार्ट नहीं होता पीसीबी डिस्क्रिप्टर टेबल। अगर अगर चाइल्ड प्रोसेस एग्जेक की कॉल करता है तो डिस्क्रिप्टर टेबल मॉडिफाई नहीं होगा। क्या मॉडिफाई होगा? प्रोसेस इमेज मॉडिफाई होगी, यानी कि प्रोसेस जो मेमोरी में मौजूद है, कोड सेगमेंट मॉडिफाई हो जाएगा, डेटा सेगमेंट, हीप, स्टैक, ये मॉडिफाई होंगे, पीसीबी मॉडिफाई नहीं होगा। पीसीबी मॉडिफाई नहीं होगा तो डिस्क्रिप्टर टेबल भी मॉडिफाई नहीं होगा, तो आप सेफली एग्जेक की कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्टर टेबल। एक दफ़ा जो आपने चेंज कर दिया जो भी डिस्क्रिप्टर टेबल था एग्जेक की कॉल से पहले, एग्जेक की कॉल के बाद भी डिस्क्रिप्टर टेबल वही रहेगा, एग्जेक की कॉल डिस्क्रिप्टर टेबल को मॉडिफाई नहीं करती। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? ये सर, अभी जो आपने बोला कि ये जो पीसीबी है ये मॉडिफाई नहीं होगा, तो ये डिस्क्रिप्टर भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? देखिए डिस्क्रिप्टर टेबल्स का तो पता है ना कि कैसा टेबल जो कि तमाम डिस्क्रिप्टर्स जो आपने ओपन किए हुए हैं और अलॉन्ग विद द डिफॉल्ट वंस वो रिटेन करता है। डिस्क्रिप्टर टेबल प्रोसेस का पार्ट नहीं होता, प्रोसेस का पार्ट वही है कोड सेगमेंट,
डेटा सेगमेंट हीप एंड स्टैक। प्रोसेस वो है जो रैम के अंदर लोड हुआ हुआ है। डिस्क्रिप्टर टेबल होगा तो रैम में, लेकिन ये उस प्रोसेस का पार्ट नहीं होगा जिससे ये ताल्लुक रखता है, जिसके अगेंस्ट ये बना है, जिसके साथ ये अटैच्ड है, ये उसका पार्ट नहीं होगा। यानी कि रैम के अंदर ये कर्नल डाटा स्ट्रक्चर में होगा, जहाँ पे कर्नल अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा ये बताने का मकसद ये है कि एग्जैक की कॉल इसको अफेक्ट नहीं करेगी। एग्जैक की कॉल करती क्या है? कॉलर प्रोसेस को रिप्लेस कर देती है विद द इमेज ऑफ न्यू प्रोग्राम। तो कॉलर प्रोसेस रिप्लेस हो जाएगा, मेमोरी में जो प्रोसेस बना हुआ है, जो मेमोरी में प्रोसेस क्रिएट हुआ है, जिसके कोड सेगमेंट है, डेटा है, हीप स्टैक है, ये चार चीजें मॉडिफाई होंगी। पीसीबी चेंज नहीं होगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो कर्नल ने क्रिएट किया था प्रोसेस क्रिएट करते वक्त, पीसीबी कब क्रिएट होता है? जब हम किसी प्रोग्राम को पर जीओ एनवायरनमेंट में क्लिक करते हैं या सीएलआई पे उसका नाम लिखकर एंटर करते हैं, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूशन से पहले उसकी रिप्रेजेंटेशन कर्नल में होती है इन द फॉर्म ऑफ पीसीबी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट होता है पहले। पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर है सिंपली, जो कि कर्नल अपने अपने लिए मेंटेन करता है। उसमें उस प्रोसेस से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है। पीसीबी क्रिएट होगा पहले, उसके अंदर उस प्रोसेस को एक आईडी साइन होगी, वो भी पीसीबी में स्टोर होगी। प्रोसेस को कहाँ लोड करना है, उसकी मेमोरी लिमिट्स भी पीसीबी के अंदर स्टोर होंगी। और उसका जो स्टेटस होगा, यानी कि उस वक्त उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्टेटस वक्त न्यू है, क्योंकि अभी वो लोड हो रहा है। जब वो कम्प्लीटली लोड हो जाएगा तो उसकी फिर स्टेट रेडी होगी, और वो जो पीसीबी है वो भी रेडी क्यू के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे स्टेट चेंज होगी, तो पीसीबी भी एक स्टेट्स के एक क्यू से दूसरी स्टेट के क्यू में चला जाएगा, एंड सो ऑन। वो भी अलोंग द स्टेट्स मूव करता रहेगा। ये हम डिटेल में देख चुके हैं जब हमने फाइव स्टेट मॉडल देखा था। उस वक्त हम पीसीबी का डिस्कस कर लिया था हमने कि पीसीबी क्या चीज है, क्यों मेंटेन हो रही है। अगर हम एग्जैक्ट की कॉल करेंगे तो हमने जिस तरह पाइप के एंड को क्लोज करना होता है या उसकी सिंक्रोनाइजेशन वगैरह करनी होती है, हमारा जो वो वाला कोड है वो तो फिर नहीं चलेगा। नहीं, आपने क्लोज कर लिया ना, क्लोज तो आपने बाद में करना होता है, पहले तो करना नहीं होता। इन केस एग्जैक्ट की कॉल कर लें तो जो हमारा कोड है वो तो मतलब अगर एग्जैक्ट सक्सेसफुली हमारा चल जाता है तो उससे नीचे वाला कोड तो फिर नहीं चलेगा। वो तो नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मसला होना चाहिए। देखें, नहीं, आपने अगर एक डिस्क्रिप्टर क्लोज कर लिया, क्लोज करने के बाद फोर की कॉल की, कॉपी क्रिएट करनी है फोर की कॉल में, तो जो भी फोर की कॉल से पहले पहले जो डिस्क्रिप्टर टेबल का स्टेटस था वो ही बाद में रहेगा, उसी की कॉपी क्रिएट होगी। यानी कि अगर आपके पास इस से ये जो आपकी स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है, पेरेंट प्रोसेस के पास इस वक्त 5 डिस्क्रिप्टर्स हैं 0 to 4। जब वो 4 की कॉल करेगा तो जो चाइल्ड प्रोसेस में भी यही 5 होंगे। हाँ, अगर वो पहले क्लोज कर देता है 4 की कॉल से पहले, वो किसी एक एंड को क्लोज कर देता है, फिर 4 की कॉल में भी, 4 की कॉल जो कॉपी क्रिएट करेगी, उस कॉपी के अंदर भी एक डिस्क्रिप्टर नहीं होगा, वो वाला डिस्क्रिप्टर नहीं होगा जो क्लोज हो चुका है। सिंपल इज दैट कॉपी क्रिएट होगी, जो पेरेंट का डिस्क्रिप्टर टेबल है वही चाइल्ड का डिस्क्रिप्टर टेबल होगा 4 की कॉल के बाद। और एग्जैक की कॉल डिस्क्रिप्टर टेबल को मॉडिफाई नहीं करती, क्योंकि डिस्क्रिप्टर टेबल जो होता है वो कर्नल के एरिया में होता है। अटैच वो उसी यूजर प्रोसेस के साथ होगा, लेकिन वो मेंटेन या रिटेन कर्नल स्पेस में किया जा रहा होगा, और उसका पॉइंटर पीसीबी के पास होता है। और पीसीबी हर प्रोसेस का अपना होता है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्टर टेबल भी अपने अपने हैं हर प्रोसेस के।
तो एक प्रोसेस का अपना डिस्क्रिप्टिव टेबल है, दूसरे का अपने है, तीसरे का अपने, क्योंकि उसका पॉइंटर जो है वो पीसीबी के पास है। तो समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि फोर की कॉल डिस्क्रिप्टिव टेबल की कॉपी क्रिएट कर देगी, प्रोसेस की कॉपी तो क्रिएट करेगी मेमोरी में, उसके अलावा पीसीबी भी कॉपी हो जाएगा। हाँ, वो चंद चीज़ें हैं जो पीसीबी में चेंज हो जाती हैं, लेकिन आईडी, मेमोरी लिमिट्स वो अपनी अपनी होती हैं सबकी, उसके अलावा सब कुछ कॉपी हो जाता है। एग्जैक की कॉल करेंगे तो एग्जैक की कॉल पीसीबी को मॉडिफाई नहीं करेगी, एग्जैक्ट की कॉल पीसीबी को मॉडिफाई, अब तक आप यही समझ लेंगे, नहीं करेगी। वो जो बहुत चीज़ें हैं जो हम आगे चल के देख लेंगे वो क्या मॉडिफाई होती हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेबल इफेक्ट नहीं होगा। राइट सर, क्लियर है? ओके। अब देखें, पेरेंट प्रोसेस था, उसने एक पाइप क्रिएट किया, पाइप ने थ्री और फोर डिस्क्रिप्टर भी क्रिएट कर दिए, यानी कि पाइप के दोनों एंड्स थ्री और फोर पर रिस्पेक्टिवली मैप हो गए। पहले जो तीन डिस्क्रिप्टर्स हैं 0 1 2, ये हर प्रोसेस के अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं। ओके, अगर पेरेंट प्रोसेस ने इन इन तीनों को मॉडिफाई किया हुआ है, इन तीनों को चेंज किया हुआ है, तो जब फोर की कॉल करेगा तो वो मॉडिफाइड वर्जन की कॉपी बनेगी, तो फिर वो 0 1 2 भी मॉडिफाइड होंगे। ओके, मेरे ख्याल में ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। फोर क्या करता है डिस्क्रिप्टिव टेबल के साथ, मैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव टेबल बात कर रहा हूँ, फोर और एग्जैक्ट क्या करते हैं दोनों। ओके, अब हम बाय डिफॉल्ट अगर कोई प्रोसेस जीरो डिस्क्रिप्टर से इनपुट ले रहा है, यानी कि कीबोर्ड से इनपुट ले रहा है, तो हम उसकी मैपिंग को चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी डिस्क्रिप्टर की मैपिंग को इन शॉर्ट चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन उसकी हम अभी देख लेंगे। अब पाइप क्रिएट हुआ हुआ है और हम चाहते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस में, जैसे कि स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, हम चाहते हैं कि जो चाइल्ड प्रोसेस के अंदर जो पाइप का रीड एंड का डिस्क्रिप्टर है वो 3 पे मैप हुआ हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं वो 0 पे मैप हो जाए। इसका फायदा क्या होगा, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये जो आपको ग्रीन एरो नजर आ रहा है, ये हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। कीबोर्ड से इनपुट लेके नहीं लेना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि कीबोर्ड से इनपुट ना ले, प्रोग्राम अपनी तरफ से स्कैनफ करे, सीन करे, लेकिन एक्चुअली डाटा उसे कीबोर्ड से ना मिल रहा हो बल्कि पाइप के रीड एंड से मिल रहा हो। हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं दोनों दोनों प्रोसेसेस को, हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं आपस में। ओके, मुझे ये जो मैपिंग चेंज करनी है जीरो की, ये जो आपको रेड, एक रेड एरो नजर आ रहा है, इसको मुझे रिप्लेस कर देना है विद द ग्रीन वन। जीरो पर, जीरो डिस्क्रिप्टर पर कीबोर्ड मैप हुआ हुआ है, मैंने कीबोर्ड को खत्म करना है, कीबोर्ड की मैपिंग खत्म करके मुझे पाइप का रीड एंड मैप करवाना है, सो दैट कि ये प्रोग्राम जब सी इन करे, स्कैन एफ करे, यानी कि इन शॉर्ट ये डिस्क्रिप्टर नंबर 0 को किसी भी तरीके से रीड करे तो पाइप रीड हो। ऐसा करने के लिए हमारे पास सिस्टम कॉल है डूप टू की, आपको इसी स्लाइड में नजर आ रही है। डूप टू के दो पैरामीटर्स हैं, दोनों डिस्क्रिप्टर्स हैं, इंटीजर टाइप है उनकी। द फर्स्ट डिस्क्रिप्टर इज द न्यू डिस्क्रिप्टर, न्यू फाइल डिस्क्रिप्टर, और सेकंड पैरामीटर है ओल्ड फाइल डिस्क्रिप्टर। फर्स्ट पैरामीटर जो कि न्यू है, इसकी जो कि ओल्ड फाइल डिस्क्रिप्टर है, यानी कि इसमें हम बताएंगे कि किसकी कॉपी क्रिएट करनी है। हमने यहाँ पर क्या पास किया हुआ है, एफ टी एस जीरो, मीन्स के एफ टी एस जीरो, एफ टी एस जीरो की कॉपी क्रिएट हो जाए जो नंबर हम डिस्क्रिप्टर का सेकंड आर्गुमेंट में दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ एफ टी एस जीरो,
या जो कि मुझे नंबर भी पता है, 3 फर्स्ट आर्गुमेंट में 3 पास करता हूँ और सेकंड आर्गुमेंट में 0 पास करता हूँ, तो एक्चुअली जो कुछ मैप हुआ हुआ है 3 पे वो एक्चुअली 0 पे मैप हो जाएगा। यानी कि 0 को, इन अदर वर्ड समझने के लिए, कि 0 डिस्क्रिप्टर को डिस्क्रिप्टर नंबर 3 असाइन हो जाएगा। जो कुछ डिस्क्रिप्टर नंबर 3 के ऊपर मैप हो रहा था वो डिस्क्रिप्टर नंबर 0 के ऊपर मैप हो जाएगा। यानी कि डिस्क्रिप्टर की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं आप, डुप टू से उसे डुप्लीकेट कर रहे हैं। डुप है ही, डुप्लीकेट से निकला है। तो जिसकी कॉपी क्रिएट करनी है वो फर्स्ट आर्गुमेंट पे, और जहां कॉपी क्रिएट करनी है वो सेकंड आर्गुमेंट है। अब इससे क्या होगा, ये देखिए मैंने कॉल की भी है, FTS0 ये वो डिस्क्रिप्टर था, ये पाइप का रीड एंड डिस्क्रिप्टर है। हमें नंबर याद रखने की स्टिल ज़रूरत नहीं है सिवाय पहले 3 डिस्क्रिप्टर्स के, 0, 1, 2, क्योंकि वो फिक्स्ड है। उसके अलावा हमें नाम नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही नंबर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टर टेबल आपको नज़र नहीं आएगा जिस तरह यहाँ पर स्लाइड पर नज़र आ रहा है। ओके, तो डुप टू की कॉल में देखें, FTS0 इस पर क्या मैप हुआ हुआ है, FTS0 का डिस्क्रिप्टर नंबर जो भी है इसके ऊपर मैप क्या हुआ हुआ है, पाइप का रीड एंड, ये माउस पॉइंटर की मूवमेंट देख रहे हैं आप जी, इस पर मैप हुआ हुआ है पाइप का रीड एंड। अब हम चाहते हैं कि ये मैपिंग हो जाए 0 के ऊपर, तो हमने कॉमा देकर सेकंड पैरामीटर में 0 दे दिया, क्योंकि 0 हमें पता है कि वो फिक्स्ड है, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। उसके बाद आप FTS0 और FTS1 को क्लोज भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको क्लोज करते हैं। अब हमारी मैपिंग चेंज हो चुकी है, ये बन चुकी है मैपिंग। हमने डुप टू की कॉल की, FTS यानी कि पाइप का जो रीड एंड था उसको मैप करवाया 0 डिस्क्रिप्टर के ऊपर, और उसके बाद जो रिमेनिंग डिस्क्रिप्टर्स थे, जो बाकी मैपिंग्स थी, उनको क्लोज कर दिया। अब बिल्कुल देखें कि एक राइट एंड है और एक रीड एंड है, बाकी जितने एंड्स थे वो सारे क्लोज कर दिए हमने। ये बात समझ आई है? आज के लेक्चर में हमने डुप टू देखने हैं कि डुप टू कैसे काम करता है और किस तरीके से हम किसी भी डिस्क्रिप्टर की मैपिंग को चेंज कर सकते हैं। दोबारा देखें, यहां पर देखें ये स्लाइड, पाइप क्रिएट किया, यहां पे देखें पेरेंट प्रोसेस ने पाइप क्रिएट किया, पाइप के दोनों एंड्स के डिस्क्रिप्टर पेरेंट प्रोसेस के पास आ गए। नंबर कुछ भी हो, 3 एंड 4, हमने नंबर से तो पाइप को एक्सेस करना ही नहीं है, डिस्क्रिप्टर नंबर से नहीं करना, हमने तो उसके नाम से करना है, तो नंबर कुछ भी हो हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। फिर पेरेंट प्रोसेस ने 4 की कॉल की, डिस्क्रिप्टर टेबल की कॉपी क्रिएट हो गई, कॉपी क्रिएट हुई है, 5 डिस्क्रिप्टर्स पेरेंट के थे तो चाइल्ड के डिस्क्रिप्टर टेबल में भी 5 डिस्क्रिप्टर्स हैं, वही वाले। देखिए कीबोर्ड दोनों तरफ मैप कर रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस और एरर डिवाइस भी सेम डिस्क्रिप्टर्स पर मैप हुई हुई है, पाइप भी सेम डिस्क्रिप्टर्स पर मैप हुए हैं। पाइप एक ही है, 2 राइट एंड हैं, 2 रीड एंड एंड दोनों प्रोसेसेस में, यानी कि पाइप के टोटल 2 राइट एंड हैं, 2 रीड एंड हैं, एक राइट एंड रीड एंड पेरेंट के पास है और दूसरा राइट एंड रीड एंड चाइल्ड प्रोसेस के पास है। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने पेरेंट से मैसेज भेजा था चाइल्ड प्रोसेस को, तो पेरेंट ने अपना रीड एंड क्लोज किया था और चाइल्ड प्रोसेस ने अपना राइट एंड क्लोज किया था, इसलिए
कि वो यूज नहीं होने। तो हमने कहा था कि जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस ये है और रिकमेंडेड है ये कि जो अनयूज्ड एंड्स हैं उनको आप क्लोज करते हैं, तो इसलिए क्लोज करती है। इस आज के लेक्चर में हमने मैपिंग देखनी है कि हम चाइल्ड प्रोसेस में जो रीड एंड मैप हुआ हुआ है FTS0 पे, उसको हमने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस पे मैप करवाना है, यानी कि डिस्क्रिप्टर नंबर 0 पे मैप करवाना है। इस तरह ये जो ग्रीन एरो है ये काम करवाना है। और जब ये मैपिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टर नंबर 3 और 4 को क्लोज कर देंगे चाइल्ड प्रोसेस में, और डिस्क्रिप्टर नंबर 3 को क्लोज कर देंगे पेरेंट प्रोसेस में। ओके, ये मैपिंग चेंज कैसे होगी, इसके लिए हमारे पास डुकटू की कॉल है, जिसको हम सबसे पहले ओल्ड डिस्क्रिप्टर पास करेंगे, यानी कि जिसकी कॉपी क्रिएट करनी है, और फिर सेकंड आर्गुमेंट में हम न्यू डिस्क्रिप्टर पास करेंगे जहां कॉपी क्रिएट करनी है। ये हमने काम किया, ऊपर डुप की कॉल हुई भी है डुप टू की, आप देख लें FDS0 वो डिस्क्रिप्टर है जिसकी कॉपी क्रिएट करनी है, और कहाँ क्रिएट करनी है, डिस्क्रिप्टर नंबर 0 पे। तो उसके बाद ये देखें, ये कॉपी क्रिएट हो जाएगी, वो जो 0 डिस्क्रिप्टर मैप हुआ हुआ था कीबोर्ड पे, वो मैपिंग कीबोर्ड से ख़त्म हो गई है, और पाइप का जो रीड एंड है वो डिस्क्रिप्टर नंबर 0 के ऊपर मैप हो गया। ये समझ आइए बात, यस सर, आई थिंक 80 to 95% सर अब जी। जब एक एग्जाम्पल करेंगे ये आपको 100% समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब उसके बाद, अब ये 3 और 4 जो हैं ये तो यूज़ नहीं हो रहे, हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम अनयूज्ड एंड्स को क्लोज कर देंगे, उसकी रीज़न भी देखी थी क्यों, कि अगर एक प्रोग्राम क्रैश हो जाता है तो दूसरा कंटिन्यू करे, वो ब्लॉक ना हो जाए, या वो सिर्फ पाइप थ्रो करे। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने, हम दोनों एंड्स जो अनयूज्ड एंड्स हैं वो क्लोज कर देंगे, चाइल्ड प्रोसेस के अंदर 3 और 4 क्लोज होगा और पेरेंट प्रोसेस के अंदर 3 क्लोज हमने कर दिया हुआ है क्लोज की कॉल से। फाइनली ये पिक्चर चाहिए हमें। अब हो क्या रहा है, पेरेंट प्रोसेस जो भी राइट करेगा डिस्क्रिप्टर नंबर 4 पे या पाइप के राइट एंड पे, बाय नेम और बाय डिस्क्रिप्टर नंबर एक ही बात है, वो चाइल्ड प्रोसेस को डिस्क्रिप्टर नंबर 0 से मिलेगा। कैसे, स्कैनएफ से या रीड की सिस्टम कॉल से, एक ही बात है। अगर चाइल्ड प्रोसेस स्कैनएफ करता है तो स्कैनएफ भी एक्चुअली डिस्क्रिप्टर नंबर 0 को रीड कर रहा होता है, या सी इन करता है सी प्लस प्लस में, तो वो भी डिस्क्रिप्टर नंबर 0 ही यूज रीड हो रहा होता है। हम यूनिक्स की बात कर रहे हैं इस वक्त, ये याद रखिएगा। ओके, तो अब क्या हो गया, अब हम ज्वाइन हो गए, अब वो प्रोसेस बाय डिफॉल्ट तो कीबोर्ड रीड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उसे डाटा कहाँ से मिल रहा है, पाइप से। अब इसकी कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ls pipe sort, sort भी एक प्रोग्राम है, ls भी एक प्राम है, दोनों इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले मैं टर्मिनल से समझाता हूँ। टर्मिनल नज़र आ रहा है सबको, ओके। ls प्रोग्राम है, क्या करता है, लिस्ट शो करता है। sort प्रोग्राम क्या करता है, sort को रन किया, बिल्ट इन प्रोग्राम है, इसको मैं कोई भी इनपुट दे सकता हूँ, नंबर्स दे सकता हूँ, कोई करेक्टर्स दे सकता हूँ, तो इसको मैंने dc मैंने इसे ए तक इनपुट दी और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस किया, तो इसने जो भी इनपुट थी उसको सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करके डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन के ऊपर।
सॉर्ट का प्रोग्राम सिर्फ सॉर्टिंग करता है, इसको कोई भी नंबर आप दें, कोई भी डाटा दें, ये उसको सॉर्ट करेगा और डिस्प्ले कर देगा। ये इनपुट लेता है कीबोर्ड से बाय डिफॉल्ट, यानी कि डिस्क्रिप्टर नंबर जीरो से, और अपनी आउटपुट राइट करता है डिस्क्रिप्टर नंबर वन के ऊपर, दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। दोनों प्रोग्राम्स को अलग से देखते हैं। एलएस क्या करता है, एलएस सबकी इनपुट कोई नहीं है, इनपुट इसकी कोई नहीं है, क्योंकि ये खुद आईओ डिवाइस को जो भी फाइल सिस्टम है उसको रीड करता है और अपनी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। सॉर्ट का प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड से इनपुट लेता है और अपनी आउटपुट स्क्रीन पे ही शो करता है, कीबोर्ड से इनपुट लेता है, स्क्रीन पर आउटपुट शो करता है। यहां तक क्लियर है? मैंने दोनों प्रोग्राम्स को अलग अलग चला के दिखाया है आपको, क्लियर है? ओके, अब मैं इन दोनों प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो एलएस की आउटपुट है वो सॉर्टेड फॉर्म में मुझे नजर आए, तो उसका तरीका ये है कि पहले एलएस लिखा, एलएस इज द प्रोग्राम, देन मैंने ये पाइप यूज किया, दिस इज द और ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस, ये बिट वाइज और ऑपरेटर है, ये यूज किया, ये यहाँ पर इसका मतलब पाइप का है ना कि और का, वो समझाने के लिए कि ये कौन सा ऑपरेटर है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये सी में बिट वाइज और ऑपरेटर है। ये पाइप साइन है और इसके बाद मैंने प्रोग्राम लिख दिया सॉर्ट का। अब मैंने एंटर किया, अब ये देखें, ये मुझे सॉर्टेड फॉर्म में लिस्ट आ गई है। पर अगर पाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लिस्ट एलएस ने जनरेट की वो सॉर्ट को पास कर दी गई। मैं इसके ज़रा डिफरेंट, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। अब मैं अभी उसे एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपने बात की है उसकी मैं पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करता हूँ। इसमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करके देखते हैं, ज़रा डिफरेंस नज़र आए। एल एस, पहले खाली एल एस किया, फिर देन एल एस सॉर्ट माइनस आर, अब मैंने रिवर्स ऑर्डर में उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए, क्योंकि एल एस भी सॉर्टेड ही दिखा रहा था। अब ये हुआ क्या है, एल एस प्रोग्राम ने अपनी आउटपुट जो कि उसने स्क्रीन पर राइट करनी थी, उसने स्क्रीन पर राइट नहीं की, पाइप में राइट की अपनी तरफ से। वो तो कंपाइल हो चुका है एल एस प्रोग्राम, उसको आप मॉडिफाई तो कर नहीं सकते, एल एस प्रोग्राम मॉडिफाई नहीं हो सकता। आप शेल ने किया क्या, शेल ने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, उसके अंदर जाकर पहले उसने पाइप क्रिएट किया, पाइप क्रिएट करने के बाद चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, चाइल्ड प्रोसेस में जाकर उसने डुप टू की कॉल से जो आउटपुट डिवाइस थी या उसका जो डिस्क्रिप्टर नंबर वन था उसको मॉडिफाई किया। उसको लिंक किया पाइप के राइट एंड के साथ। एलएस का प्रोग्राम अपनी तरफ से तो डिस्क्रिप्टर नंबर वन पर लिख रहा होगा, चाहे वो सी आउट से लिखे या प्रिंट एफ से लिखे, लेकिन एक्चुअली अल्टीमेटली तो राइट वो डिस्क्रिप्टर नंबर वन पे कर रहा है, और डिस्क्रिप्टर नंबर वन की जो मैपिंग है वो चेंज हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है, वो चेंज होके पाइप के राइट एंड के साथ एसोसिएट हो गई। पहले वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर मैप हुई थी, उसको पहले चेंज किया गया, उसकी मैपिंग चेंज कर दी है, अब वो एसोसिएट हो गई है कि पाइप के राइट एंड के साथ। उसके बाद एग्जैक्टली कॉल की और जिसके अंदर एलएस को
लोड करवा दिया गया। एग्जैक की कॉल ने एलएस प्रोग्राम से उस चाइल्ड प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया। यही काम उसने एक और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करके किया, दूसरा चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया शेल ने। उसके अंदर उसने डिस्क्रिप्टर नंबर जीरो की मैपिंग को चेंज किया, जो कि बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड पे थी, उसको चेंज करके पाइप के रीड एंड पे कर दिया। अब सॉर्ट का प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट तो कीबोर्ड से इनपुट लेगा, डिस्क्रिप्टर नंबर जीरो से इनपुट लेगा, लेकिन एक्चुअली इसे डेटा पाइप से मिल रहा होगा। अब आप देखें सॉर्ट लिखते हैं, सॉर्ट का प्रोग्राम पहले अगर एग्जीक्यूट हो भी जाता है, तो वो डेटा के लिए वेट करेगा, क्योंकि पाइप मैकेनिज्म में सिंक्रोनाइजेशन इम्प्लिसिट है। हमने देखा था कि रीड की कॉल ब्लॉक हो जाएगी अगर पाइप में डेटा अवेलेबल नहीं है। ब्लॉक का मतलब है कि वो कंटिन्यू नहीं करेगी, डेटा का वेट करेगी। तो सॉर्ट का प्रोग्राम अगर पहले चल भी जाता है, यहाँ पे दो प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, एक एलएस और एक सॉर्ट। सॉर्ट प्रोसेस अगर पहले रन हो जाता है तो वो डेटा का वेट करेगा, उस वक्त तक कंटिन्यू नहीं करेगा जब तक पाइप से उसे डेटा नहीं मिल जाता। ओके, एलएस प्रोग्राम को कंट्रोल मिला, एलएस प्रोग्राम रन हुआ, इसने डिस्क्रिप्टर नंबर वन पे राइट किया और डिस्क्रिप्टर नंबर वन पर मैप हुआ है पाइप का राइट एंड, तो एक्चुअली वो डेटा पाइप में राइट हो गया स्क्रीन की बजाय। पाइप में राइट हुआ, पाइप से होता हुआ वो सॉर्ट प्रोग्राम को इनपुट के तौर पे मिला, और सॉर्ट प्रोग्राम ने अपना काम किया, उस डेटा को सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद डिस्प्ले कर दिया। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो प्रोग्राम्स को लिंक करके देखते हैं, फिर मजीद ये समझ आ गया तो फिर तीन को करेंगे, और फिर आप एन नंबर ऑफ प्रोसेस को इस तरह कनेक्ट कर पाएंगे। एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट है, दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट है, तीसरे की आउटपुट चौथे की इनपुट है, और ये सारी थ्रू पाइप्स कनेक्टेड हैं, और आप एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस को इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं जिस तरह मैं दो कर रहा हूँ। सर, अगर हम सॉर्ट को हम लेट्स से एक हम फाइल पास करते हैं जिसमें डाटा ना हो, तो यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन टेक्निकली उसको रुक जाना चाहिए क्योंकि सॉर्ट की जो कॉल है वो डाटा का इंतज़ार कर रही होगी। नहीं, एक्चुअली आपने पाइप को ठीक से समझते हैं। हमने देखा था कि पाइप का मैकेनिज्म है क्या, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो वेट करेगा, लेकिन अगर राइट एंड क्लोज हो चुका है तो इसका मतलब है कि डेटा अब नहीं आना, अब एंड ऑफ फाइल रिटर्न कर देगा। इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं कि हमने फाइल से इनपुट देना है सॉर्ट को और फाइल में डेटा मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब एंड ऑफ फाइल पड़ा होगा शुरू में ही, तो एंड ऑफ फाइल पे उसे इंस्टेंटली जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो पाइप को जरा आप देखिएगा डिटेल में जाके। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, यही जो काम किया है एलएस और सॉर्ट। वैसे शेल क्या करता है, शेल खुद भी चलता है, तो शेल तो दो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, एक एलएस के लिए और एक सॉर्ट के लिए, और दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवाएगा। तो मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखने के लिए मैं पेरेंट और चाइल्ड एक पेरेंट और एक चाइल्ड से करूंगा, उसके बाद फिर बाद में हम सिबलिंग्स के दरमियान करवाएंगे, ताकि आप यहां पर कंफ्यूज ना हो। तो ये काम हमने खुद करना है अभी, ये जो शेल कर रहा है ना, इनकी दोनों की कम्युनिकेशन करवा रहा है, ये काम हम करते हैं अभी अपने प्रोग्राम में। मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ओके, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है और एक पेरेंट प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर हम शुरू में इंटीजर फाइल डिस्क्रिप्टर टू और पाइप क्रिएट कर लेते हैं। ये पाइप क्रिएट हो गया। प्रोसेस के अंदर मैंने सॉर्ट प्रोग्राम को एग्जेक करना है, और पेरेंट प्रोसेस के अंदर मैंने एलएस प्रोग्राम को एग्जेक करना है। ओके, पेरेंट प्रोसेस ने
या एलएस ने अपनी आउटपुट डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे राइट करवानी है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्टर नंबर 1 जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर मैप हुआ हुआ है वो मैपिंग चेंज हो जाए, अब वो एसोसिएट हो जाए पाइप के राइट एंड के साथ। तो पाइप का राइट एंड मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है, एफ डी 1 के अंदर। लेकिन पिछले लेक्चर तो आप बेटा तैयार करके आया करें ना, एफ डी 1 एफ डी एट इंडेक्स 1 मेरे पास राइट एंड का डिस्क्रिप्टर है। मुझे करना क्या है, मुझे एक्चुअली डिस्क्रिप्टर नंबर 1 को असाइन करना है एफ टी ऑफ 1, ये काम करना है मुझे। डिस्क्रिप्टर नंबर 1 को असाइन करना है एफ डी 1। एफ डी 1 क्या है, राइट एंड ऑफ पाइप। ठीक हो गया भाई, पाइप के दो हेड्स है ना, एक एक का डिस्क्रिप्टर एफ डी इंडेक्स 1 पे पड़ा है, एक और राइट एंड का डिस्क्रिप्टर एफ डी इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है। तो मैंने ये काम करना है, ये काम मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे कंपाइलर करने नहीं देगा, क्योंकि मैं कांस्टेंट को कोई वैल्यू साइन नहीं कर सकता। इस काम के लिए है डुप टू की कॉल। इसको पहले ओल्ड डिस्क्रिप्टर जिसकी कॉपी क्रिएट करनी है वो साइन कर देंगे, और उसके बाद वन साइन कर देंगे, वन लिख देंगे, सेकेंड पैरामीटर में वन पास कर देंगे। एक्चुअली ये काम हुआ है जो मैंने कमेंट्स में लिखा है, वन मॉडिफाई हुआ है डिस्क्रिप्टर नंबर 1, अब मैप हो गया है किसके ऊपर, पाइप के राइट एंड पर, या पाइप का राइट एंड मैप हो गया 1 पे, यानी कि दोनों एसोसिएट हो गए। ओके, मैपिंग चेंज की, मैपिंग चेंज करने के बाद क्लोज कर दिया एफ डी 0 को। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि क्यों करना है, ये काम हो गए। अब डिस्क्रिप्टर टेबल पेरेंट का मॉडिफाई हुआ है, अब मैं सेफली एग्जैक की कॉल कर सकता हूँ। एग्जैक एल पी वर्जन कर लेते हैं, और इसमें एल एस एंड नल। इसके बाद कोई भी कोड लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चलेगा नहीं। यहां पर मुझे डिस्क्रिप्टर नंबर 0 को एफ डी 0 साइन करना है, रीड करने के लिए। हाँ, रीड करने के लिए, ताकि वो पाइप से रीड करे। बाय डिफॉल्ट तो वो 0 डिस्क्रिप्टर्स यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से रीड करता है, लेकिन हम चाहते हैं पाइप से रीड करे। इसका मतलब है मुझे मैपिंग चेंज करनी है, पहले स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मैप हुई हुई है 0 पे, उसकी मैपिंग को ख़त्म करके मुझे पाइप के रीड एंड को मैप करवाना है। और वो करवाने के लिए हमारे पास अगेन डुप टू की कॉल है। इसको सबसे पहले एफ टी 0 जिसको मैप करवाना है, जिसकी कॉपी क्रिएट करनी है या डुप्लीकेट करना है ऑन 0। तो आगे कमेंट्स में मैंने जो लिखा है एक्चुअली इसने ये काम किया है। यहाँ पर क्लोज कर देते हैं हम वो एंड जो यूज नहीं हो रहा, और वो राइट एंड क्लोज यूज नहीं हो रहा, और यहाँ पर उसके बाद एक्सेक एल पी सॉर्ट, नाम भी सॉर्ट है, पैरामीटर इसको हमने माइनस आर पास किया था, और उसके बाद नल। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसको, सेव किया, कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम का नेम फोर्क वन ही है, जी सी सी फोर्क वन डॉट सी माइनस ओ फोर्क वन डॉट। प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब मैं जैसे ही रन करूँगा तो सॉर्टेड डिस्क मुझे शो हो जानी चाहिए, वन डॉट आउट, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड लिस्ट शो हो गई, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं वैसे एलएस करके दिखाऊं, ये है।
सर बुनियादी तौर पे यानी जो पाइप का ऑपरेटर है वो एक काइंड ऑफ एक बिल्ट इन फंक्शन था जो हमने खुद से पाइप एक मतलब मेथड है कम्युनिकेशन का, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का एक मेथड है। पाइप के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और नहीं पाइप सर का जो जो मैक ऑपरेटर था वो जो पाइप एक तरह का एक उसको हमने ऑपरेटर मैन्युअली यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसको हमने मैन्युअली उसका तकरीबन 10 लाइन्स ऑफ कोड में उसको हमने मैन्युअली एग्जीक्यूट कर लिया। नहीं, यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको ये बताया है कि शेल कैसे काम करता है, शेल किस तरह करेगा। शेल मैंने यही काम किया जो मैंने किया है इस कोड के अंदर। शेल ने मैपिंग को चेंज किया, सर ये पाइप वाला काम उसके पीछे हो रहा था वो जो हमने यूज़ किया था पाइप अगर का आपने ऑपरेटर, शेल टाइप का ऑपरेटर, पाइप हाँ का जो पाइप, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये जो हमने ये काम किया है ना, ls पाइप सॉर्ट, तो ये दोनों कैसे ज्वाइन हुए हैं, शेल ने किस तरह किए हैं। शेल ने बिल्कुल इस तरह किए हैं जैसे कोड हमने लिखा है यस। सर मेरी मेरे ख्याल यहाँ। से आवाज़ थोड़ी शायद मेरी कम आ रही है क्योंकि नहीं, मुझे वो क्लियर हो गया। नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है, ठीक आ रही है, इट्स क्लियर। यस सर ओके, अब इससे बहुत फायदा ले सकते हैं। अब सॉर्ट का प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, आपको खुद से कोई सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखने की जरूरत नहीं है, और सॉर्ट का प्रोग्राम इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं, आप हेल्प करके देख सकते हैं। जैसे ये देखें, सॉर्ट और हेल्प। अब आप देख लें, जैसे आपने इसको डिफरेंट ऑप्शंस देनी है, और आप हर तरह की सॉर्टिंग करवा सकते हैं इससे, फोल्ड, लोअर केस, टू अपर केस करेक्टर, साथ ये काम भी करेगा, वो कन्वर्जन भी कर देगा, कंपेयर अकॉर्डिंग टू जनरल न्यूमेरिक वैल्यू, कंसिडर ओनली प्रिंटेबल करेक्टर्स। यानी कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव सॉर्टिंग एक एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट हुआ है सॉर्ट के प्रोग्राम में, आप इसको यूज़ कर लें। आपको क्या ज़रूरत है अपना कोड लिखने की, बबल सॉर्ट लिखने की, या कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखने की? राइट ठीक है, अब आपने करना यह है कि आपने जस्ट इसको डेटा प्रोवाइड कर देना है। किस तरह? बिल्कुल ऐसे जैसे आपने किया है, पाइप क्रिएट किया, पाइप की मैपिंग, डिस्क्रिप्टर्स की मैपिंग चेंज की, और आपने डेटा सॉर्ट करवा लिया। इसी तरह आपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, आप उनको कॉल कर सकते हैं। अब सर्चिंग करनी है, जैसे इसी में से सर्च करता हूँ, कोई फाइल का नेम है, से पार्सर, क्लियर, ls। मैं तीन प्रोग्राम सॉर्ट करता हूँ, ls की आउटपुट गई सॉर्ट को, उसने उसको सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद आपने एक रेप प्रोग्राम को यूज़ करते हुए सर्च की, पार्सर, जिसने बता दिया कि तीन फाइल्स हैं, पार्सर डॉट सी, पार्सर डॉट सी एस एंड पार्सर डॉट ओ। अब हुआ क्या, सॉर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, उसकी आउटपुट थ्रू पाइप सॉर्ट प्रोग्राम को मिली एज इनपुट, सॉर्ट प्रोग्राम ने उसको सॉर्ट किया और अपनी आउटपुट को पाइप में राइट किया। वैसे तो डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे राइट किया होगा, लेकिन वो पाइप में राइट हुआ, पाइप के थ्रू वो ग्रेप प्रोग्राम को मिला, ग्रेप प्रोग्राम ने उसको एज इनपुट लिया और उसमें सर्चिंग की। तो एक्चुअली तीन प्रोसेस क्रिएट हुए हैं, शेल ने तीन चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट की हैं, एक ls के लिए, एक सॉर्ट के लिए, एक ग्रेप के लिए। अब ग्रेप पहले नहीं चलेगा क्योंकि ग्रेप पाइप मैकेनिज्म है, पाइप में फाइफो इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, बिल्ट इन सिंक्रोनाइजेशन है। ये तो इसकी खूबसूरती है कि अगर डेटा अवेलेबल नहीं होगा, डेटा का वेट करेगा, जिस ऑर्डर में डेटा राइट होगा उसी ऑर्डर में रीड होगा। तो ग्रेप का प्रोग्राम वेट करेगा डेटा का, डेटा उसे सॉर्ट प्रोग्राम से मिलेगा, सॉर्ट प्रोग्राम कब प्रोसेस करेगा डेटा को, जब उसे डेटा मिलेगा फ्रॉम ls प्रोग्राम। तो ls प्रोग्राम पहले चलेगा, फिर सॉर्ट प्रोग्राम चलेगा, फिर ग्रेप प्रोग्राम चलेगा, और आपको फाइनल आउटपुट रहेगी। फर्दर आप ज्वाइन कर सकते हैं पाइप यूज़ करते हुए, जितने चाहे प्रोग्राम्स को आप कर लें, लेकिन किन प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्रोग्राम्स 0 और 1 डिस्क्रिप्टर से रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं।
एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कीबोर्ड से रीड ही नहीं कर रहा, उसको आप डेटा नहीं दे सकते किसी तरीके से भी। से सॉर्ट का जो प्रोग्राम है वो कीबोर्ड से इनपुट ना लेता हो, या कोई अब आपका अपना सॉर्टिंग प्रोग्राम है जो कीबोर्ड से इनपुट नहीं लेता, डिस्क्रिप्टर नंबर 0 को रीड नहीं करता, तो वो यहाँ ज्वाइन नहीं हो सकता। तो पाइप में, इस चेन में सिर्फ वही प्रोसेस आ सकता है जो डिस्क्रिप्टर नंबर 0 से इनपुट लेता हो या डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे राइट करता हो। ऐसा कोई प्रोग्राम है जो दोनों डिस्क्रिप्टर्स को यूज़ नहीं करता या किसी एक को नहीं करता, वो शायद यहाँ पे चेन में ना आ सके अगर उसने इनपुट लेनी है। अब सॉर्ट का प्रोग्राम है, सॉर्ट का प्रोग्राम अगर डिस्क्रिप्टर नंबर 0 से इनपुट नहीं लेता होगा तो एलएस प्रोग्राम उसे इनपुट कैसे देगा? और इसी तरह अगर सॉल्ट का प्रोग्राम वन डिस्क्रिप्टर डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे राइट नहीं करता होगा तो वो ग्रेप को आउटपुट कैसे देगा? सर, मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते डॉट स्लैश डाटा डॉट टी एक्स टी पाइप ऑपरेटर सॉर्ट, तो वो मेरे ख्याल से नहीं चल पाएगा, क्योंकि नहीं, टेक्स्ट फाइल है, था टेक्स्ट फाइल का ये तरीका है। इससे पहले मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, हो गया, फाइल में राइट हो गया, आप डिस्प्ले कर लें फाइल डॉट टेक्स्ट, ये कंटेंट्स हैं फाइल के। अब आप सॉर्ट को इस तरह दे सकते हैं, इनपुट फ्रॉम फाइल डॉट टेक्स्ट, ये उसने सॉर्ट करके शो कर दी, या आप इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करवा लें, ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो फाइल से इनपुट लेने का तरीका अलग है, पाइप से लेने का अलग है। तो फाइलिंग के लिए रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स यूज होते हैं, दिस वन लेस देन और ग्रेटर देन, उसकी डायरेक्शन डिसाइड करती है कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। प्रोसेस को कनेक्ट करना है तो पाइप्स यूज होंगे। क्योंकि फाइल एक प्रोसेस नहीं था, तो हमने उसको फिर इस तरह से रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स यूज किए, इसके लिए रीडायरेक्शन ऑपरेटर है। मैं अगर इस तरह लिख दूंगा ना, ls sort, यानी ls की जगह यहाँ पर फाइल का नाम लिख दूँ, फाइल डॉट टेक्स्ट पाइप सॉर्ट, तो ये नहीं फाइल डॉट चलेगा। टी एक्स टी की क्योंकि आउटपुट कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो वो प्रोसेस भी तो नहीं है ना, वो प्रोग्राम भी तो नहीं है। पाइप्स के थ्रू हम सिर्फ प्रोग्राम्स को यूज कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस पाइप जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मेथड है, याद रखने के लिए। पाइप जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मेथड है, तो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाएगा, इंटर प्रोसेस जो है फाइल। और फाइल से इनपुट देने के लिए तो आप कर सकते हैं, रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे सॉर्ट का प्रोग्राम है, इसको इनपुट देनी है आपने फाइल डॉट टेक्स्ट से, और इसकी आउटपुट आपने आउट सॉर्ट डॉट टेक्स्ट में राइट करवा देनी है। अब क्या हुआ, सॉर्ट प्रोग्राम को इनपुट मिली फाइल डॉट टेक्स्ट से, अब डायरेक्शन बता रही है, रीडायरेक्शन ऑपरेटर की ये डायरेक्शन देखें, फाइल डॉट टेक्स्ट की डायरेक्शन टुवर्ड सॉर्ट है और आउटपुट सॉर्ट डॉट टेक्स्ट है। अब मैं अगर सॉर्ट डॉट टेक्स्ट को देखूं तो इसके अंदर सॉर्टेड डेटा पड़ा होगा। मेरी स्पीड तेज तो नहीं है यहाँ पे टाइपिंग की, जिसकी वजह से आप शायद आउटपुट ना देख पाते हो, नहीं सर, क्योंकि ठीक है। कम्युनिकेशन में डिले है थोड़ा सा। ओके, अभी हम बात करें फाइल्स पर, हम बाद में आएंगे, फाइल्स का भी कोड लिखेंगे कि ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर कैसे काम करता है, लेकिन अभी आपने समझते हैं इस एग्जाम्पल को जो आज हमने किया, क्योंकि कल हमने तीन प्रोग्राम्स को कनेक्ट करना है। मैकेनिज्म समझें कि ये शेल कैसे काम करता है, इसकी एप्लीकेशन मैंने बता दी, आपने शेल शायद ना लिखना हो, लेकिन आप इसकी मदद से एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं, जो प्रोग्राम ऑलरेडी आपकी डिस्क पर पड़े हुए हैं, जैसे सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, हर तरह की सॉर्टिंग करके देखता है और उस पर इतनी रिच है ऑप्शंस के वाले से, फीचर्स के वाले से, तो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। आपको क्या ज़रूरत है हर चीज़ का कोड खुद लिखें, आप एक छोटा सा प्रोग्राम खुद भी लिखा हो या बिल्ट इन अवेलेबल है उसको यूज़ करें। अब जो आपने सर्चिंग असाइनमेंट में जो सर्चिंग करनी है, एक तरीका तो यह है कि आप फाइल में खुद सर्च करें, दूसरा तरीका यह है कि आप बिल्ट इन प्रोग्राम ग्रैप को यूज़ करें सर्चिंग के लिए, ls grep और जो भी फाइल का नेम है आपका, से डॉट सी,
वो तमाम फाइल्स आ गई जिनमें डॉट सी आ रहा है। तो असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया, असाइनमेंट नंबर वन, ये बहुत सिंपल असाइनमेंट है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, उस कमांड को रन करना है और कमांड को रन करके आपके पास एक फाइल आ जाएगी। हाँ, कुछ टाइम के बाद आएगी, शायद आपको कुछ 1-2 घंटे के लिए अपने सिस्टम को छोड़ना पड़े। उसके बाद आपके पास एक फाइल आ जाएगी, उस फाइल में सर्चिंग करेंगे, वो सर्चिंग बहुत फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर मैं फाइल सिस्टम को यहाँ पर सर्च करता हूँ। सर मैंने मैन्युअली एक फाइल क्रिएट कर दी थी, उसके अंदर मैंने तकरीबन 15 नाम लिखे थे। हाँ नहीं, आप उस कमांड को चलाएं, मैं आपको चला के दिखा दूंगा। वो कमांड चलती है, आपने रूट पे चलानी है, यानी कि इस तरह चलानी है। सीडी स्लैश का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी। आप रूट पे आ गए, यहाँ पर आके उस कमांड को चलाएं, और ये जो डेल्टा है ना, ये जो साइन है डेल्टा साइन, ये आपकी होम डायरेक्टरी को शो करता है। तो सीडी डेल्टा, तो ये आपको होम डायरेक्टरी पर ले जाएगा जहाँ पर हम काम कर रहे थे। यूजर की एक होम डायरेक्टरी होती है यूनिक्स में, तो टेल्डा होम डायरेक्टरी को रेफर करता है। तो वो जो फाइल क्रिएट होगी वो आपकी होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आपने वो कमांड चलानी रूट पे जाके। रूट कहते हैं इसको, बिल्कुल मेन को, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका, रूट डायरेक्टरी है। दिस आपने लैब में देखी होंगी डायरेक्टरीज, रूट डायरेक्टरी क्या होती है, होम डायरेक्टरी एंड वर्किंग डायरेक्टरी एंड सो ऑन। देखी थी हमने क्लास 2 में। जी, लैब में, लैब 2 में आपने शायद की हो कमांड्स। असाइनमेंट को इग्नोर ना कीजिएगा, असाइनमेंट की वेटेज ज़्यादा है और वो असाइनमेंट बहुत आसान है। इसमें कोई ऐसी चीज़ आपसे नहीं करवाई जा रही जो आपको बताई ना गई हो। अच्छा, टाइम कैसे मैयर करेंगे? आदत डालें खुद पढ़ने की, मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, लेकिन मैं वैसे बता दे प्रोग्राम कितना टाइम लेता है मैं देखना चाहता हूँ। तो टाइम LS, अब देखें इसने रियल टाइम कितना लिया, यानी कि टोटल टाइम इसने लिया 15 मिली सेकेंड। यूजर इनपुट 0 सेकेंड, क्योंकि यूजर की इनपुट इसमें शामिल ही नहीं थी। और डिस्क को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लगा वो अकॉर्डिंगली। तो आपने ये देखना है रियल टाइम क्या होता है, यूज़र टाइम, सिस्टम टाइम क्या होता है, इसका मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अब आपने सिर्फ सर्चिंग के से पहले जो भी आपका प्रोग्राम होगा उससे पहले आपने टाइम लिख देना है, और जिससे आपके पास ये टाइम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाते चले जाएँ तो टाइम पर क्या इफेक्ट आएगा, राइट सर? ठीक है, आपको 1 हफ्ते का टाइम मिला है और असाइनमेंट बहुत सिंपल है। अगर आपने सारे लेक्चर्स लिए हैं मेरे, तो ये असाइनमेंट आपके लिए कोई इशू नहीं है। आज का लेक्चर से ये फ़ायदा होगा कि आपको सर्चिंग के लिए भी खुद कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप एग्जिस्टिंग ग्रैप प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं फाइल के लिए भी। वन सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, तो अगर मुझे इसी प्रोग्राम में एक चाइल्ड और क्रिएट करना हो तो कहाँ क्रिएट होगा? सर इस स्टेटमेंट के अंदर होगा, इस स्टेटमेंट के अंदर जो चाइल्ड प्रोसेस का प्रोग्राम होगा। अब देखिए ना, चाइल्ड प्रोसेस किसका चाइल्ड है, पेरेंट का है या एग्जिस्टिंग चाइल्ड का है? अगर तो वो पेरेंट का प्रोसेस है तो एल्स पार्ट जो है वो पेरेंट का है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ 4 इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरा चाइल्ड आ गया, दिस इज चाइल्ड, और इसका एक एल्स पार्ट रखते हैं, ये पेरेंट का है। तो इनर मोस्ट एल्स जो होगा वहां पर आपने कोडिंग करनी है, वो पेरेंट का कोड पार्ट है, इनर मोस्ट एल्स। वैसे तो इस आउटर एल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि आप बिगनर हैं, क्योंकि कभी आपने स्टार्ट की है प्रोग्रामिंग चाइल्ड प्रोसेस से रिलेटेड, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनर मोस्ट एल्स को यूज करें फॉर राइटिंग कोड फॉर पेरेंट प्रोसेस। आई होप कि आपको बात समझ आई है।
अगर आपने मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करने हैं तो आपने इफ एल लगाया फिर एल्स आ गया। अब एक और प्रोसेस क्रिएट करना है तो फिर एल्स के अंदर एक और इफ लगाया, क्यों? क्योंकि वो उसी पेरेंट से एक और चाइल्ड बनाने आते हैं। चाइल्ड का चाइल्ड बनाना हो तो फिर आप उस चाइल्ड के अंदर जाके इफ फोर की कॉल करेंगे। अगर आपने पेरेंट से ही दो या तीन चाइल्ड प्रोसेस बनाने हैं तो हमेशा एल्स पार्ट के अंदर फोर की कॉल होगी। क्वेश्चन ये है कि कौन सा एल्स, यहाँ तो बहुत सारे एल्स आ गए, दो एल्स तो आ गए, तो उसका आंसर है कि इनर मोस्ट एल्स, ये वाला इस केस में। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए इनर मोस्ट एल्स में अपना कोड लिखें, पेरेंट प्रोसेस का कोड इनर मोस्ट एल्स में लिखें, आप जो पॉसिबल एरर्स हैं उनसे बच जाएंगे लॉजिकल। मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ओके सर। इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है बेटा, जब इसकी लैब होगी तब होगी, लेकिन इसको आपने खुद ही करना है क्योंकि उस लैब से पहले पहले आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट के लिए मैंने आपको 1 वीक का टाइम दिया है और ये असाइनमेंट आपने जमा करवानी है हर सूरत में, ठीक है? कोई आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपके सर इश्यूज होंगे। आपका यूट्यूब पे, जी सर सर यूट्यूब पे जो वीडियो है वो शॉर्ट वीडियो है या ये नहीं, रिकॉर्डिंग वो है? पूरी है, वो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्ट्रीम्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे, जो बाद में ऐड हुए हैं, तो उनकी क्वेरीज ये होती हैं कि हमें वीडियोस नहीं एक्सेसिबल, तो उनके लिए भी मैंने यूट्यूब पे डाली है। तो वो यही लेक्चर की वीडियोस हैं, एज इट इज आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी, शॉर्ट नहीं है वो। सर लिंक बेटा एक लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उस चैनल पे ले जाएगा, वहाँ पे सारी वीडियोस हैं। सर कहाँ पे है वो लिंक? आपके फाइल्स में देखें, टेक्स्ट फाइल है यूट्यूब लिंक्स के नाम से। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर अभी आपने जो ये पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड बनाया है, तो आपने जो पेरेंट था उसको चाइल्ड टू का नाम क्यों दिया है? नहीं, नाम बस मैंने कमेंट्स पे लिख दिया कि ये पहला चाइल्ड है, दिस इज फर्स्ट चाइल्ड, ये फर्स्ट चाइल्ड कह लें आप इसे, और दिस इज द सेकंड चाइल्ड। सर ये सेकंड चाइल्ड क्यों? इसके अंदर जो इनर मोस्ट एल्स है वो सेकंड चाइल्ड नहीं होगा? नहीं, एल्स अब देखिए ना, फोर्क रिटर्न क्या कर रहा है, चाइल्ड प्रोसेस को जीरो रिटर्न करेगा। हमने कहा था कि अच्छा फोर ओके, की वो कॉल, आपने फोर की एक्सटेंशन कॉल लगाई। चाइल्ड प्रोसेस को हमेशा जीरो रिटर्न करती है, तो इसने जीरो रिटर्न किया, जीरो इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, जीरो इज इक्वल ओके टू जीरो, यस कंडीशन ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है, ये इफ की बॉडी, ये एक्चुअली चाइल्ड प्रोसेस की बॉडी होगी, इसमें चाइल्ड प्रोसेस का कोड आएगा। और एल्स, ओके एल्स में मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि एरर, फोर की कॉल एरर नहीं देगी, जो कि आमतौर पर नहीं देती, तो एल्स का मतलब है कि वो पेरेंट प्रोसेस का कोड होगा, तो यहाँ पे मैंने पेरेंट का कोड लिख दिया। और सर ऊपर वाले इफ के अंदर हम लोग कोई एक एल्स लगाते तो वो फिर हमारे पास चाइल्ड का भी आगे फर्दर चाइल्ड हो जाता ना? हाँ, अगर यहाँ पे भी इफ इसके अंदर मैं लगाता, यहाँ पर अगर इफ लिखता, इफ फोर इज इक्वल टू जीरो, तो उस चाइल्ड प्रोसेस का भी चाइल्ड होता और एल्स में फिर हम कोड लिख देते इसका। इफ एल्स से चले आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ओके देखें ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, चाइल्ड प्रोसेस ने फिर फर्दर एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, अब चाइल्ड प्रोसेस का कोड यहां पर आएगा, कौन सा चाइल्ड, जो उसने क्रिएट किया है, जो चाइल्ड का चाइल्ड है, चाइल्ड ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। और एल्स में चाइल्ड प्रोसेस इटसेल्फ एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे उसका अपना कोड आएगा।
alt process बेटा इसको साथ साथ करें, लैब का वेट ना करें, जैसे कोई कॉन्सेप्ट गेट करते हैं फ़ौरन उसकी घर जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप तो हैं ही घर में, क्योंकि ये लॉकडाउन है तो आप तो उसकी प्रैक्टिस वहीं कर सकते हैं। अगर किसी का अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ यूनिक्स किसी वजह से, या जो वर्चुअल मशीन है वो भी इंस्टॉल नहीं हुई अभी तक, तो बेहतर है उसके पास एक ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर ले। उसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया आपको चैट बॉक्स में, देखें ऑनलाइन कंपाइलर्स का लिंक भी अवेलेबल है। वो इतना फ्लेक्सिबल तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट आप इस काम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? तो डूब टू की कॉल आज हमने देखी है और देखा है कि किस तरह मल्टीपल प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं आपस में। कल हम मज़ीद एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें तीन प्रोसेस को हम आपस में कनेक्ट करेंगे और उसमें बिल्कुल काम वैसे ही करेंगे जैसे शेल करता है, यानी कि शेल खुद भी एग्जीक्यूट हो रहा होता है, खुद रिप्लेस नहीं हो जाता प्रोग्राम से, जैसे कि ये हो गया पेरेंट प्रोसेस, खुद वेट कर रहा होता है चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने का और तीन प्रोसेस क्रिएट करता है, उन तीनों की आपस में कम्युनिकेशन थ्रू पाइप्स करवाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कोड लिखेंगे और फिर रिडायरेक्शन को हम देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसेस, इसका पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, देन फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? बेटा आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। सर सॉकेट्स हमने पढ़े थे थोड़े, मतलब हमने टच किए थे कि ये भी प्रोसेस सॉकेट्स। आपने किस किस कोर्स में पढ़े थे? सर पढ़े नहीं, हमने लेक्चर में मेंशन हुआ था कि सॉकेट्स, वो मैंने आपको सारे मेथड्स बता दिए थे कम्युनिकेशन के। हमने उसमें देखा कि पाइप्स हैं, पाइप्स में दो टाइप्स होती हैं, एक अनोनीमस, दूसरे नेम्ड पाइप्स होते हैं, देन शेयर्ड मेमोरी है और सॉकेट्स हैं। सॉकेट्स पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए आपको कुछ उसके प्री रिक्विजिट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। उसमें आपको वो TCP/IP का स्टैक पढ़ना पड़ेगा जो 5 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। तो वो जो सॉकेट्स हैं वो एक्चुअली वहीं कवर हो जाते हैं जब CCN पढ़ेंगे आप, तो वहाँ आपको उसकी ठीक समझ आएगी, क्योंकि आपको वो पूरी लेयर्स आप पढ़ चुके होंगे TCP/IP, आपको पता चलेगा कि किस तरह पोर्ट्स क्या होता है, IP क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो आपका कवर हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी पर मैं कोई एक किसी लेक्चर में एक डेमो दे दूंगा छोटा सा, ताकि आपका शेयर्ड मेमोरी भी कवर हो जाए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वीडियो अपलोड कर देंगे? वीडियो तो मैं अपलोड साथ ही कर देता हूँ, देखें ज़रा वहाँ जाके। 8 लेक्चर्स तक अवेलेबल हैं, ये 10th लेक्चर है हमारा, तो 9th की वीडियो नहीं है और 10th की नहीं है, वो आज हो जाएंगी दोनों। और सर लेक्चर भी अपडेट कर दीजिएगा स्लाइड्स में। हाँ स्लाइड्स पे अपलोड अभी कर दूंगा मैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? बेटा असाइनमेंट आपने ज़रूर करनी है, असाइनमेंट मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट से शायद अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो बिलीव मी इट्स वेरी सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल, इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको कर दी हुई हैं, बल्कि आप बता भी दिए। ठीक है, वरना नॉर्मली पहले पिछले सेमेस्टर्स में देखें तो हम शेल देते थे बनाने के लिए, तो अगर शेल को मैं कंपेयर करूं इससे तो शेल बहुत मुश्किल था इस असाइनमेंट से।